बिग बॉस 14 के घर में दो दिन से चल रहा है फैमिली वीक कम कैप्टनसी टास्क, जहां बीबी निवासियों के घर वाले आके वोट करेंगे राखी सावंत या सोनाली फोगाट में से किसी एक को कैप्टन बनाने के लिए। तो चलिए जानते हैं किसके फैमिली मेंबर ने किसको वोट दिया है। निकी की मम्मी ने वोट दिया है राखी सावंत को। वहीं अभिनव से मिलने आई उनकी फ्रेंड शिल्पा अग्निहोत्री ने भी वोट दिया है राखी को। फॉर अ चेंज अली की बहन ने वीडियो कॉल से बात करते हुए वोट दिया है सोनाली को। कैप्टनसी के दावेदार के परिवार वाले वोट नहीं दे सकते। अली की तरह राहुल वैद्य की मम्मी ने भी वोट दिया है सोनाली फोगाट को। एजाज के भाई इमरान ने वोट दिया है राखी सावंत को। राखी की मम्मी ने हॉस्पिटल में होते हुए वीडियो कॉल से उनसे बात की। वहीं कंटेंडर के घर वाले वोट नहीं दे सकते। फिर आई रूबीना की बहन ज्योतिका ने भी वोट दिया है राखी को। वहीं जैस्मिन के पापा ने भी आके राखी को ही वोट दिया है कैप्टनसी के लिए। वहीं अर्शी खान के भाई आए थे जिन्होंने भी लगभग वोट दिया है राखी को ही। व्यूअर्स आपको बता दें कि विकास गुप्ता से मिलने उनके फैमिली मेंबर नहीं बल्कि रश्मि देसाई आएंगी और उनका आना अभी बाकी है और वे भी जरूर राखी को ही कैप्टनसी के लिए वोट देंगी। तो रिजल्ट बहुत क्लियर है जहां सोनाली फोगाट को बहुत कम वोट्स मिले हैं और कैप्टनसी के लिए ज्यादातर कंटेस्टेंट्स के फैमिली मेंबर्स से वोट मिले हैं राखी सावंत को, जिससे कि ये तय है कि राखी सावंत बन चुकी है इस घर की नई कैप्टन और जल्द ही टास्क खत्म होते ही उन्हें घर का नया कैप्टन डिक्लेयर किया जाएगा। तो व्यूअर्स, क्या आप सहमत हैं सभी कंटेस्टेंट्स के घर वालों के वोट से?